तो हेलो गाइस, आज जो हमारा वीडियो में है छोटा सा कूलिंग फैन है, जो कि आप इजीली अपना कोई भी एम्पलीफायर या जहाँ पे हीटेज की प्रॉब्लम होती है, चल चल से एम्पलीफायर हो गया या थोड़ा सा बड़े एम्पलीफायर हो गया या नॉर्मल जो भी कुछ आप अपना इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो उस जगह पर हमें कि कुछ हवा की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे जो हीटिंग है वो किसी तरीके से बाहर निकल जाए और हमारा जो है ओवर हीट ना हो और हमारा जो सिस्टम है कोई भी सिस्टम वो सही से चले। तो उसी चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फैन लाया, छोटे छोटे जगह पे यूज करने के लिए, जहाँ पे इजीली आपका जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे आपका। तो इसमें से हाई स्पीड भी और स्लो स्पीड का भी सिस्टम इसमें है और इसमें डाटा का पिन भी दिया हुआ, लेकिन डाटा तो आपका मैच नहीं करेगा फ्रेंड। तो इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मेरा जो ये है ये सिस्टम में यूज होता है कंप्यूटर के या बड़े बड़े जगह के सिस्टम में यूज होती है, इसलिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ। डाटा का काम ये है इस फैन में, इसको स्लो स्पीड चलाना, स्लो स्पीड चलाएगा, हाई स्पीड चलाना तो हाई स्पीड चलेगा, लेकिन आप नॉर्मल जगह पर यूज करेंगे तो ये जो है एक ही लगातार स्पीड में आपका चलेगा। तो आप नॉर्मल जगह पर इस फैन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो सारा फैन है सब आपको ओरिजिनल मिलने वाली बहुत ही कम प्राइस में। तो हमारे पास आज जो है मैंने 10 छोटे फैनों के कलेक्शन किया हूँ, जिसका मैं रिव्यू करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे सभी को बात करता हूँ और पहला मैं इसको दिखाता हूँ। इसके सेम साइज में ये है, दोनों एक ही फैन है, ये दो हमारा एक ही फैन है जिसको मैं अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ और दोनों का साइज मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अनुमान हो जाए साइज क्या होने वाला है। ये हमारा स्केल है, अगर सेंटीमीटर में देखें तो 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंच, तो ये 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो इसकी साइज तो आपने देख लिया, ये दोनों है हाई स्पीड। मैं एक फैन को आपको चला के दिखाता हूँ, दोनों की वाटेज भी सेम है, दोनों पंखा भी सेम है, दोनों के मॉडल सेम है। तो आप ये जो मॉडल का नंबर सर्च करके आप इसका आरपीएम को देख सकते हैं फ्रेंड। तो मॉडल नंबर सर्च करके आप नेट में आरपीएम को देख लीजिएगा कितनी आरपीएम होने वाली है, अगर आप आरपीएम का कन्फ्यूजन है। तो साइज मैंने आपको बता दिया और अभी मैं चला के इसको दिखाता हूँ एक बार। ये फ्रेंड आपका जो है 12 वोल्ट DC, जो कि इसमें लिखी हुई आपका 12 वोल्ट DC फैन, 12 वोल्ट DC 6.8 वाट इसका जो कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी जो 6.8 वाट का लोड लेगा ये आपका चलने के लिए। अब चलिए मैं अपने पावर सप्लाई से इसको 12 वोल्ट देने का कोशिश करता हूँ। 12 वोल्ट में मैंने अपना पावर सप्लाई को सिलेक्ट कर लिया हूँ, माइनस प्लस को सही लगाएंगे, अगर गलत लगता है तो फ्रेंड ये आपका ख़राब हो सकता है, तो ये गलती ना करें। और जब भी मेरा प्रोडक्ट आपको मिले तो पहले मुझे कॉल करें कौन सा कनेक्शन कहाँ लगेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। और चलिए मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ हमारा पेपर है और इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यूज करें ताकि स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये देखिए उड़ा दे रही है, और थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड ये सबसे हाई स्पीड फैन है और देखिए कहाँ तक हवा जा रही है इसका, बहुत ही पावरफुल में, और ये सबसे हाई स्पीड फैन है फ्रेंड और बहुत ही मस्त क्वालिटी का। और 12 वोल्ट और एम्पियर जो देख पाएंगे इसका, और ये देखिए फ्रेंड हमारा जो एम्पियर यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट फैन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फैन का जो एम्पियर है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 0.7.2 एम्पियर 12 वोल्ट। ये फैन जो है फ्रेंड बहुत ही हाई स्पीड देखने को लग रहा है और बहुत ही हाई स्पीड आपको, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ये देने वाली है। तो चलिए फ्रेंड इसकी जो साइज है साइज में दिखा देता हूँ। ये आपका साइज फ्रेंड 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का ये आपका होने वाला है। चलिए मैं इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए एक बार,
इसका मॉडल नंबर सर्च करके आरपीएम को आप देख पाएंगे। ये इसका मॉडल नंबर पूरे अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस मॉडल नंबर को सर्च करके आप अपना जो है आरपीएम को सर्च कर पाएंगे। अब चलिए मैं इसकी जो है स्पीड में दिखा देता हूँ कितनी स्पीड होती है। इसको थोड़ा सा पकड़ना, ये फ्रेंड सबसे हाई स्पीड। और इसकी हवा को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कैमरा को थोड़ा सा रोटेट करके। तो चलिए मैं कैमरा को रोटेट कर लेता हूं और थोड़ा सा उधर करने का कोशिश करता हूं मैं कैमरा को, और आपका भी नज़र जा रहा होगा इन प्लास्टिकों पे। हमारा जो पैकेजिंग है ये हमारा कुरियर का पैकेजिंग हो रखा है। और चलिए मैं आपको वोल्टेज बढ़ाता हूँ, खिल रही है। और पंखा दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरा पंखा हाथ में है। और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और ये देखिए, और बहुत ही हाई स्पीड है कूलिंग के लिए जो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ये सबसे हाई स्पीड मेरे को देखने में लगा। और आरपीएम सर्च करके आप जो है अपना देख पाएंगे, और इसकी जो कूलिंग है बहुत ही मस्त मुझे लगा फ्रेंड, जो कि सबसे ज़्यादा टक्कर में आने वाला ये कूलिंग फैन आपके लिए हो सकता है। और नॉइजेस थोड़ा सा इसमें रहेगा ही, जबकि हाई स्पीड है तो नॉइज आपको आने वाले हैं, जो कि नॉइज अभी आपको देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे। तो जैसे कि इस फैन की आप उसे वैसे जगह पर यूज करें जहाँ पे ज़्यादा हाई स्पीड कूलिंग आपको ज़रूरत पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट फैन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैन जो है वो भी मैं हाई स्पीड को ही लेता हूँ। अभी दो मॉडल हमारे पास ये है, इस मॉडल को आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो इसका नाम आपको स्क्रीन पे सही सही दिख रहा होगा। ये आपका 0.8 वाट है 24 वोल्ट, तो ये एक आपका 24 वोल्ट का है और एक आपका 12 वोल्ट का है। और जो मैंने पहले रिव्यू किया वो दोनों 12 वोल्ट का था, ये दोनों सेम मॉडल था पर, लेकिन ये दोनों पंखा सेम दिख रहा सेम जैसा है, लेकिन एक 24 वोल्ट है और एक 12 वोल्ट है। तो चलिए मैं आपको पहले 24 वोल्ट का चेक करके दिखाता हूँ। और इसका साइज भी वही सेम है, 4 सेंटीमीटर आपको दिख पा रहा होगा, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों का साइज सेम है। अब चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। हमारा जो ये है पावर सप्लाई में लगा लेता हूँ, और इसका भी कैसा जो हवा रहने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने अभी 12 वोल्ट दिया इसको, अभी 12 वोल्ट पे रन कर रहा हूँ, लेकिन 12 वोल्ट पे बहुत ही स्लो चल रहा है। अब मैं इसको 24 वोल्ट दे रहा हूँ। तो फ्रेंड इसका कोई ख़ास ज़्यादा रनिंग नहीं है, लेकिन फ्रेंड कूलिंग करने के लिए आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी हद तक आपका कूलिंग कर देगा। उंगली बचा के फ्रेंड, नहीं तो हमारा उंगली डैमेज कर दिया था। ये फ़ैन नहीं है तो छोटा मोटा फ़ैन है, लेकिन एक और फ़ैन है जो कि दिखाऊँगा हमारा जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं आपको थोड़ा सा उसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये वाली फ़ैन है फ्रेंड जिसमें हमारा उंगली डैमेज हो गया था। इसके लिए डिटेल में और स्पीड बाद में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसका जो है नॉर्मल स्पीड है 24 वोल्ट पे, कूलिंग के लिए इजीली आप यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड हमारा जो है ये 12 वोल्ट, अब मैं 12 वोल्ट का चला के दिखा रहा हूँ, जो कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो चीज़ रियल होता है फ्रेंड मैं उसी चीज़ को दिखाने का कोशिश करता हूँ। अब ये जो है सेकेंड 12 वोल्ट का, उस चीज़ को भी मैं चलाता हूँ, इसका रनिंग क्या रहने वाली। इसका भी रनिंग है फ्रेंड, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वाटेज कम है फ्रेंड, इसलिए रनिंग कूलिंग के हिसाब से ये ठीक है फ्रेंड।
अगर कूलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस वाली मॉडल का भी फ़ैन को कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो किसी जगह पे कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे कूलिंग, ये दोनों फ़ैन आपको कूलिंग के लिए और लो नॉइजेज में कूलिंग आपका जो है बहुत ही मस्त ये देने वाली है। अब आता है फ्रेंड हमारे पास दो मॉडल, दो फैन सेम साइज, और ये दोनों सेम मॉडल है तो मैं एक ही फ़ैन का ही बात करूँगा। दोनों दो फैन हमारे पास है तो इसका साइज मैं दिखा देता हूँ। ये भी 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का है, सेम साइज है। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। इसका जो वोल्टेज है फ्रेंड 24 वोल्ट आपको दिख रहा होगा, 24 वोल्ट का है ये। और इसको मैं अभी चला के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं 12 वोल्ट देता हूँ अभी। 12 वोल्ट में तो पंखा तो हिला भी नहीं, लेकिन अब 24 वोल्ट देते ही पंखे का स्पीड। तो फ्रेंड ये पंखा बहुत ही स्लो है। जहाँ नॉर्मल हीटिंग या नॉर्मल यूज के लिए आप यूज करना चाहते हैं, आप बहुत ही लो नॉइजेस के लिए, तो इस 24 वोल्ट फैन को आप इजीली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड दोनों फैन का क्वालिटी वही है। थोड़ा बहुत मेरा तो बाल भी नहीं हिल रहा है यहाँ का, तो ये नॉर्मली हीटिंग को बाहर आपका निकाल देगा। जो उमस वाली गर्मी, जो अंदर में गर्मी है वो बाहर निकाल देगा फ्रेंड। तो इस वाली फ़ैन को उस जगह पे यूज कर सकते हैं। बात रही इसकी वाटेज की, बहुत ही कम है, 0.1, बहुत ही कम है फ्रेंड। इस वाली फ़ैन को भी यूज कर सकते हैं। प्राइस वाइज जानना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट्सअप में मैसेज करें, प्राइस आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास है ये नया मॉडल, इसका भी मॉडल नंबर सर्च करके आप देख लीजिएगा RPM। मैं तो ये मॉडल नंबर नहीं छिपा रहा हूँ आपसे यहाँ पे जो है। और ये 24 वोल्ट का है और ये 0. ये तो और ही कम एम्पियर का, 0.06 एम्पियर। चलिए मैं इसको चला कर देखता हूँ कैसा है 24 वोल्ट। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ और 24 वोल्ट में लगा लिया हूँ। ये थोड़ा सा हमारा जो है बाल उल को उड़ा दे रहा है। ये वाली फैन से दुगुनी या तीन गुनी स्पीड बोल सकते हैं। तो इसका RPM देख लीजिएगा और इसको भी थोड़ा सा नॉइजेस है, लेकिन आपका जो हीटिंग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा। वो हाई स्पीड तो नहीं बोलेंगे पूरा, हाई स्पीड में तो हमारा जो है इस फैन को देते हैं, ये सब फैन को, ये जो पूरी हाई स्पीड है, तो इस फैन का भी हाई स्पीड में आपको दिखा दिए कहाँ तक हमारा जो हवा जा रहा था। ये उतना हाई स्पीड नहीं है, लेकिन कूलिंग के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा फ्रेंड। अब आती सेम मॉडल हमारे पास, ये दोनों फ्रेंड सेम मॉडल है, इसके बात नहीं करेंगे। अब हमारे पास है ये वाली फ़ैन और ये दोनों में डिफरेंट है। फोटो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, दोनों डिफरेंट है। और ये है हमारा 24 वोल्ट, ये भी हमारा 24 वोल्ट है। एम्पियर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को, आपको दिख रहा तो 0.07 एम्पियर का है और इसका एम्पियर यहाँ पता नहीं चल रहा, इसका 0.07 एम्पियर है। और रियल में देख लेते कितना वाटेज लोड ले रहा है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, लेकिन कम ही एम्पियर का होना चाहिए। फिलहाल इसका एम्पियर नहीं दिख रहा है। हाई स्पीड है क्या, हाई स्पीड के हिसाब से यहाँ पे एम्पियर का पता चल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा वोल्टेज को कम करता हूँ, कभी भी हाई वोल्टेज में ना लगाएं। 12 वोल्ट 24 वोल्ट करके इसको यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं, ये 18 वोल्ट पे चल रहा अभी और मैं यहाँ पे 24 वोल्ट कर दिया। इसका हवा कूलिंग जो है हाई स्पीड ही है, लेकिन पूरी हाई स्पीड नहीं बोल सकते हैं। कूलिंग के लिए आप लगाते हैं जिस जगह में, उस जगह में इसका जो हीटिंग और नॉइजेज है बहुत ही कम आपको मिलने वाली है। और अगर सिस्टम में लगाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में, तो बहुत ही मस्त कंप्यूटर सिस्टम को कूलिंग करके आपको दे सकता है फ्रेंड। 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट इसको देना पड़ेगा।
और नॉइजेस बहुत ही कम है। और इसकी साइज़ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का साइज है। अब साइज के हिसाब से इसको ये कर सकते हैं। अब चलिए हमारे पास ये जो है 24 वोल्ट का, ये भी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। और माइनस माइनस में ये भी 24 वोल्ट है। इसको खड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी चलने में। इसका भी ये भी सेम है फ्रेंड, हवा की ये में, और मॉडल थोड़ा सा अलग अलग है और साइज भी सेम है और हवा भी सेम है। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज है, लेकिन बोला जाए एक तो जो हवा के कन्वेंशन जो है वो सेम ही करेगा दोनों, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। और एम्पेयर जो है बहुत ही कम है दोनों का, एम्पेयर के मामले में दोनों हाई लेवल पे चले जाते हैं सभी पंखों में से, और बहुत ही कम 0-0 के हिसाब से मेरा यहाँ पे इस मीटर में मुझे दिख रहे थे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बार, बहुत ही कम है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो एक हिसाब से बहुत ही अलग ही है और बहुत ही कम दिखाने का कोशिश किया है। तो ये फ़ैन को भी आप परचेज कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को फ़ैन परचेज करना है, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डायरेक्टली वहाँ से चैट करके आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ये माल जो है आपको ओरिजिनल क्वालिटी जाएगा, और ये हमारा निकाला हुआ माल सब रहता है, ये न्यू आपको पूरा न्यू ही दिखेगा, लेकिन कम रेट में आपको पूरा न्यू नहीं मिलेगा। इसे कम रेट अगर न्यू लेने जाएंगे तो ये सब का जो है 2000-3000 या 1000-1500 के आसपास ये सब फैन का रेट होता है, लेकिन इस सबको हम मैं कम रेट में आपको देने का कोशिश करूँगा, और आप अपने कोई भी जगह पे इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। और मेरे पास बहुत सारा फैन है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा फ्रेंड।